उदित हो सकते हैं, लेकिन ये ड्राइविंग फोर्स हिंदुत्व के नाम से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और मुद्दों को मिला के मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जी आपका जो फील्ड का डेटा है अरबों बिलाल साहब ने खारिज कर दिया कि भाई बंगाल में भी तो हिंदुत्व तो नहीं चला, बंगाल में भी तो ममता बनर्जी ने खदेड़ लिया, दौड़ा लिया। और ममता बनर्जी, हालांकि ममता बनर्जी को भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना पड़ा, मंचों से मंदिर जाना पड़ा, ये बात बिजन जी की वहाँ लागू हो रही है कि भाई आपको उसी उस पर आना पड़ा। तो अब उत्तर प्रदेश में आपको क्या लग रहा है, जो आपने और कोई जवानी जमा खर्च की बात नहीं कर रहा हूँ धर्म जी, आपने बाकायदे सीटों का भी विवरण दिया है कि कहाँ कितनी कमजोर है, कितनी मजबूत है, समाजवादी पार्टी कहाँ है, लेकिन भाजपा को बहुत कम आंका है आपने। मैं आपको एक बात बताऊं, अखिलेश यादव जी ने 3-4 जनवरी के आसपास परशुराम मंदिर में जा करके गदा उठाई थी, निरंतर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी उसमें आगे चल रही थी, लेकिन हमारे 1 जनवरी से 12 जनवरी संरक्षण में अखिलेश यादव को लोगों ने घटाकर 120 सीटों पर ला दिया था। जी तो हमने पूछा, लोगों ने बोला कि हम किसी तीसरे को वोट दे देंगे। उस सर्वेक्षण में प्रियंका गांधी और मायावती आगे निकल गई। जनता कहती है अगर आप हमारे को इस जमीन पर, इस धरती पर चलने के तरीके सुझाओ, इस जन्म में हम जब जिंदा हैं तब हमको बताओ, हमें दूसरे जन्म में मरने के बाद का हमको मत सिखाओ, हम हमें जीवन में जीने के लिए शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, मंदिर मस्जिद हमें नहीं चाहिए, मंदिर मस्जिद मुझे हमें मत मूर्ख बनाओ, हमारे को हमारे बच्चों का भविष्य बताओ, हमारे बच्चों की शिक्षा बताओ, हिंदुत्व के बारे में बात करोगे, मंदिर के बारे में बात करोगे, मस्जिद के बारे में बात करोगे, कास्ट के बारे में बात करोगे, जनता सुनने वाली नहीं है। और ये इंटरनेट जब से आया है दुनिया ग्लोबल विलेज की तरह काम हो गई है, हर गांव में हर आदमी के पास स्मार्टफोन है और वो देखता है दुनिया में अमेरिका में क्या हो रहा है, वहां लोग कैसे जी रहे हैं, कैसी शिक्षा है। तो आप इनको हिंदुत्व के नाम पे, जाति के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे अब जनता का बेवकूफ नहीं बना सकते। सारे लोगों को डिलीवरी करनी पड़ेगी, नहीं कहेंगे जनता इनको बुरी तरह निकाल के बाहर फेंक दी। वो तो बिल्कुल
यहाँ का हम देख रहे हैं जिस तरीके की पोस्ट, आप तो विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, आप देखते होंगे कि भारत के युवाओं की किस किस तरीके की पोस्ट आती है सोशल मीडिया पर। आप देखिए वो अजीब सा रिएक्शन है उनका, वो रोजगार पे बात नहीं कर रहे हैं, वो शिक्षा पे बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई पहले हम हिंदू हैं, इस तरह की बातें वहां हो रही, ये बात बहुत अच्छी है और यही बात होनी चाहिए भारतीय राजनीति में। लेकिन वास्तव में तो जो हमारी पीढ़ी है, जो मौजूदा जो हमारे लड़के बच्चे हैं, 20 से 22, 20 से 30 साल की उम्र के लोग, वो तो बिल्कुल गजब है। डायरेक्टर जनरल हूँ एक यूनिवर्सिटी का, 12 12 इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट पे हूँ और 3 यूनिवर्सिटी के उसमें हूँ। डायरेक्टर जनरल इज इक्वल टू वाइस चेयरमैन, जी ईश्वर ने बहुत दिया है। मैंने इंटरव्यू किया लोगों का, मेरे पास इंफोसिस के लोग आए जिनकी सैलरी 4 लाख रुपए महीना थी, मेरे पास आए, इंटरव्यू किया हमारे कि हम हमारे यहाँ डायरेक्टर के लिए 1,60,000 दे सकते हैं, आप पार्टनर होते तो आपको 4 लाख रुपए महीना देते। बोले साहब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 15,000 दे दीजिए। मैंने क्यों? बोले 6 महीने पहले नौकरी हमारे चली गई है, मैं सुबह टिफिन लेता हूँ नोएडा की बात है और पार्क में आकर बैठ रहता हूँ, कल शाम मेरी वाइफ ने देख लिया, बोला तुम्हारा ऑफिस किस पार्क में लगने लगा है। बोला मेरी हालत खराब है, माता पिता 70 75 साल के हैं, मेरे बच्चे इंजीनियरिंग की IIT की तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं उनको पता चल जाए मेरी नौकरी चली गई है तो उन पर क्या बीतेगी। बोले मुझे कुछ मत दीजिए, सिर्फ पोस्ट दे दीजिए। उनको 1,60,000 महीना दिया, वो आदमी 1,50,000 45,000 कैश वापस कर गया, सिर्फ 15,000 पेट्रोल। वो कहता कि हमको जीने का रास्ता चाहिए, हमें बेवकूफ मत बनाओ, आम जनता बच्चों के पास जाइए। वो कहते हैं हमारा भारतीय संसद का नाम रखा हमने, जनता की नाराजगी, जनता ने हमको बाद में गया, लोगों ने पीटना शुरू कर दिया। ठीक है मैं धर्मेंद्र जी, ठीक है। ये मुद्दे बड़े अहम मुद्दे हैं, बड़े भावुक बातें आप बता रहे हैं, बड़ी भावुक और बड़ी अहम मुद्दे हैं कि भाई एक नौकरियां बड़ी पैमाने पर गई, ये सच है। कोरोना काल में भयानक रूप से नौकरियां गई, भयानक बेरोजगारी है, सारी चीज ये है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई गर्मी नहीं, हम भर्ती निकालेंगे। प्रियंका गांधी भर्ती की बात कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, और वो भी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो तो करे ना भर्ती चली नहीं ना कहीं कुछ चला। डॉक्टर अविनाश, लोग हैं अच्छे चैनल है, बड़े लोग काबिल, उनकी योग्यता पे विद्वत्ता पे कोई प्रश्न नहीं उठाना मुझे। मैं सिर्फ कहता हूँ जिस जमीन पे अपने काम किया है, जो देखा है, अगर अखिलेश यादव काम नहीं करेंगे तो जितने भाजपा के नेता नहीं घुस पा रहे हैं, अखिलेश यादव लोग ज्यादा भी रह जाएंगे अगर सरकार में आएंगे तो। ठीक
बात है, ठीक डिलीवरी मांग रही है, बात है, जनता डिलीवरी मांग रही है, और बच्चों को पता है, कुछ लोग मुद्दे उठाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनको आज उनके पास खाना, कल नहीं खाने होगा, वो हमारी कार रोकेंगे, हमारे घर हम धर्मेंद्र जी आएंगे आपके पास, आपके पास आएंगे, डॉक्टर अविनाश के पास चलते हैं, डॉक्टर अविनाश, धर्मेंद्र जी बातें बड़ी मूलभूत, धर्मेंद्र जी ने बड़ी मूलभूत बातें की, कि बड़े पैमाने पर लोगों के नौकरियां गई हैं, तमाम स्थितियां खराब हो गई हैं, तम लोग परेशान हैं, अपने बीवी बच्चों को लोग मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं। एक एक उदाहरण, एक दृष्टांत दिया धर्मेंद्र भाई ने कि वो जाके पार्क में बैठता था बंदा और आपके पास आया, ये विद्रूप चेहरा हो सकता है, हम इस पे यकीन करते हैं ऐसा हुआ होगा, ये हो रहा है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हुआ उस पर जो जमीनी स्थितियां हैं, वो तो बहुत सारे जो जमीनी मुद्दे हैं, जो रोजमर्रा के मुद्दे हैं, उनके साथ मैच नहीं करती। चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जितने भी पैनलिस्ट हैं, मैं इनमें सबसे छोटा हूँ, मेरे बाल निश्चित गिर गए हैं, लेकिन 2007 से चुनाव का विश्लेषण या कोरोना विश्लेषण मैं करता आया हूँ, विभिन्न पत्रिकाओं में मैं छपता हूँ, 250 से मेरे अधिक रिसर्च पेपर्स, 17 से अधिक देश घूमा हूँ, और 3 कंपनियां खुद चलाता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं मेरे साथ, और मैं खुद भी आकर के गांव में सरसों भी काट लेता हूँ और आलू बुआई भी कर लेता हूँ। बात इसकी नहीं है कि हुआ है, बात यह है कि ग्राउंड पे क्या है। मुझको बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि मैं प्रो भाजपा हूँ, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि मैं प्रो कांग्रेसी हूँ, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश में, इस भारत की राजनीति में 1951 से चुनाव चला है, साहब 2 साल तक चुनाव चला, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि एक एक सीट पर 3-3 विधायक चुने जाते थे, उसका कॉम्बिनेशन नहीं पता होगा। मैं बता दूं, इस देश में 57 टाइप का चुनाव होता है, बहुत सारे लोग बैठे हुए, मैं किसी की विद्वत्ता पे क्वेश्चन नहीं उठाता हूँ, लेकिन मैं अगर पूछ लू कि कैसे मैं उसी का चुनाव उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पे होता है, तो लोग नहीं बता पाएंगे, एक्यूरेट नहीं बता पाएंगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। मैं चुनाव ही नहीं, मैं डेटा एक्सपर्ट हूँ साहब, मैं वह बात बता रहा हूँ जो बात हो सकता है कि अभी प्रो भाजपा लगेगी, लेकिन जब मैंने कहा था कि बंगाल नहीं जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, तो भाजपा वाले मुझको गिर जाते थे कि कैसा एनालिस्ट जो कहता भाजपा नहीं जीतेगी। जब मैंने कहा था कि राजस्थान में जीतने जा रही है कांग्रेस, तो ये सब गाली देते थे। एक दो
संक्षेप में उसका आधार 40 सेकंड में
आपसे जवाब चाहते हैं अविनाश जी।